आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर निखिल जैन सर, एसोसिएट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दयाल सिंह से हैं। डॉक्टर निखिल सर एक बहुत ही अच्छे टीचर, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। प्लस ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी को डिसेबल फ्रेंडली और बैरियर फ्री बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सर आपका परख पर स्वागत है। थैंक यू सो मच साक्षी। और सबसे पहले मैं परख की पूरी टीम को, विशेष रूप से कमल जिन्होंने इस जो परख को जिन्होंने शुरू किया, और हमारे कैमरा पर्सन जो औसफ हैं, और आप साक्षी कि आप लोगों ने डिसेबिलिटी जैसे एक हाशिए पे पड़े हुए सब्जेक्ट को उठाया और समाज में पहुंचाने का काम किया। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो सर डिसेबिलिटी से ही लेते हुए हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जब आप पैदा हुए और आपके माता पिता जी को पता चला कि आप विजुअली चैलेंज्ड हैं, तो उनका क्या एक डिलेमा रहा आपके आपको लेकर, आपको आपका एजुकेशन को लेकर और आपके इस चैलेंज को लेकर? देखिए, जिस वक्त मैं पैदा हुआ था उस समय ख़ासकर जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा इशू था कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर एज़ बीइंग अ विजुअली चैलेंज्ड। और वही सवाल मेरे पेरेंट्स के साथ भी था, वही डायलेमा भी बनकर आया, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि मैं विजुअली चैलेंज्ड हूँ तो उनका सारा ध्यान इस तरफ चला गया कि भाई इसे कैसे ठीक किया जाए, करेक्टिव मेजर्स की ओर चला गया कि साइट कैसे लौटाई जाए। और उस बाबत उन्होंने तमाम हॉस्पिटल्स खंगाले, डॉक्टर्स के चक्कर काटे और काफ़ी दिनों तक काटे। तो उस समय प्रायोरिटी थी कि मेरी आईसाइट वापस लाई जाए। धीरे धीरे मतलब उनको एहसास होने लगा कि भाई आईसाइट नहीं आएगी, आई थिंक देन ही डिसाइडेड दैट येस नाउ वी नीड टू लुक टूवर्ड्स एजुकेटिंग आवर चाइल्ड। एंड आई वॉज एडमिटेड टू JPM सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि पहले मेरी जो 3 साल थे KG नर्सरी, UKG एंड अपर KG, वो मेरे एक साइटेड स्कूल में हुए थे, होली चाइल्ड। उसके बाद मेरे को जब उन्होंने मना कर दिया कि भाई इस बच्चे को हम ओरली तो पढ़ा सकते हैं पर क्योंकि फर्स्ट से जो परीक्षाएँ हैं वो रिटर्न में होनी थी और उसके लिए उन्हें लगता था कि मैं तैयार नहीं हूँ, तो फिर उनके रिफ्यूज़ल के बाद मेरे को ब्लाइंड स्कूल उन्होंने ढूंढा। और यहाँ पे जो यहाँ से दयाल सिंह कॉलेज से करीबन 1.25 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, JPM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि एक एसोसिएशन का हिस्सा है जिसका नाम है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन। उस समय की भी मुझे लगता है भारत की विख्यात एक एसोसिएशन थी, काफ़ी प्रसिद्ध और संसाधन संपन्न रही है, अभी भी है। तो वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई है 12वीं तक। अच्छा, तो इसी के साथ मेरा ये सवाल रहेगा कि जैसे आपने बताया कि आपकी जो पहले KG तक जो आपका एजुकेशन रहा है वो एक नॉर्मल स्कूल में रहा है, तो वहाँ उस नॉर्मल स्कूल में क्या आपके चैलेंजेस रहे हैं, या फिर एक तरीके से देखा जाए तो अगर हम किसी डिसेबल पर्सन को एक चैलेंज नॉर्मल उसमें स्कूल में रखते हैं तो उनका डेवलपमेंट किस लेवल तक होता है, और आपका क्या मानना है कि जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं उनको भी थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो डिसेबल स्टूडेंट्स के नीड्स को केटर करे? क्योंकि एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहने पे शायद काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके नीड्स अलग होते हैं, बट उनका डेवलपमेंट भी ऐसे लोगों के साथ थोड़ा बढ़ता है। देखिए, वो स्कूल तो बहुत छोटे से घर में था, बताना मुश्किल है, थोड़ा याद नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि देखिए बैरियर्स तो वहाँ थे, पर क्योंकि मुझे इतना याद है कि ओरली तो मैं उस समय भी हर चीज़ को आंसर कर लेता था, पेरेंट्स से बात मतलब किसी से भी कम्युनिकेशन में कभी दिक्कत हुई नहीं। तो इनफैक्ट मुझे याद है वहाँ भी मैंने प्राइजेस जीते थे एंड टीचर्स वर वेरी हैप्पी। पर हाँ, ये है कि कोई भी मेरी जीत या अचीवमेंट एक एक्स्ट्रॉर्डनरी मानी जाती थी। अच्छा। तो वो सामान्य अगर कोई व्यक्ति जीतता था तो लगता था कि हाँ ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन मैंने जैसे प्राइजेस जीते तो टीचर्स वर आई थिंक एक्स्ट्रॉर्डनरीली हैप्पी, है ना। और जैसे मैंने फैंसी ड्रेस में मुझे याद है 3rd प्राइज जीता और एक पोएम में 1st प्राइज जीता, पेरेंट्स को भी बड़ी खुशी हुई कि हाँ इसने कुछ अचीव किया है। मतलब जो डिसेबिलिटी को लेकर के एक ख्याल आता है कि हाँ कोई भी अचीवमेंट इट इज़ मोर देन नॉर्मल, ऐसा एक विचार आता था। तो वो था, पर ज़्यादा याद नहीं, पर सिर्फ ओरल होता था। पर चैलेंजेस मुझे लगता है उसके बाद के थे, क्योंकि कोई स्कूल अगर ये सोच ले
कि भाई हम इस व्यक्ति को किसी अल्टरनेटिव मेथड से पढ़ा नहीं सकते, मतलब इसको उसी तरीके से पढ़ना है जैसे जो प्रिंट वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है एजुकेशन की फेलियर थी जो जिस वजह से मुझे एक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ना पड़ा। ब्लाइंड स्कूल में पढ़ना मेरे लिए कोई बुरा नहीं था और इट वॉज़ ए वंडरफुल एक्सरसाइज, पर सवाल सिर्फ इतना आता है कि ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने के लिए अगर आपको फोर्स किया जा रहा है कि आपके लिए वहीं एक ज़िंदगी का एक ज़रिया है, तो मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन का फेलियर वहाँ था। पर अब मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, स्पेशल स्कूल में पढ़ना आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर एनी पर्सन बीइंग ए विजुअली चैलेंज्ड और बी इट इवन अदर पर्सन फ्रॉम अदर डिसेबिलिटीज आल्सो। जैसे कि आपने बताया कि आप फिर शिफ्ट हुए एक स्पेशल स्कूल में जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के नीड्स को कैटर करता था, तो उससे जब स्टूडेंट्स उस स्कूल से पढ़कर वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कूल से कॉलेज आ रहे हैं, तो वहाँ से उनका क्या चैलेंजेस रहा है? देखिए मेरा स्कूल एक बॉयज़ वाला स्कूल था, लड़कों का सा, और ख़ासकर वो लोग जो कि स्कूल में ज़्यादा समय बिताते थे उनका बाहर अगर आना जाना नहीं है, और ख़ासकर बॉयज़ स्कूल की एक अपनी रहती है कि उनकी ग्रूमिंग क्योंकि कोएड स्कूल वाली नहीं रहती, और ख़ासकर ब्लाइंड स्कूल की एक है, तो उसमें हायर एजुकेशन में जाने पर आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज मिलता है वो है कि आप को एक कल्पना एक परसेप्शन के साथ आप रहते हैं कि हाँ हमारा मतलब जब ऑपोजिट सेक्स के साथ आप मिल रहे हैं एज ए क्लासमेट एज ए फ्रेंड, तो उसमें उनके साथ किस तरीके का आपका बिहेवियर होगा, किस तरीके की आपकी बातचीत होगी। बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उतने सहज नहीं हो पाते। जो सहजता अगर आप शुरुआत से अगर आप उनके साथ पढ़े हैं ग्रूमिंग होती है, वो सहजता बाद में थोड़ी चैलेंजिंग लगती है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथ तो ये रही, मतलब मैं शायद हो सकता है मेरी अपनी पर्सनालिटी भी काफ़ी रिजर्व थी, कुछ लोग ज़्यादा जल्दी सहज हो पाए होंगे, पर ये एक दिक्कत रही थी मुझे ऐसा लगता है। तो इस जब आप और पढ़ाई की दिक्कत तो थी स्कूल के बाद, सारी किताबें, सॉरी मैं आपको टोक रहा था बीच के, ब्रेल में किताबें मिल जाती थी, हालांकि उसमें भी दिक्कत मतलब चैलेंजिंग था। आज की दृष्टि से देखें तो आज तो बहुत किताबें हैं, हर मिल जाती हैं। उस समय हमारे को रिकॉर्डिंग का सहारा लेना होता था, नवीं क्लास के बाद से कुछ भी पढ़ना है तो रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, लाइक इट वाज रियल डर्थ ऑफ रिसोर्सेज एंड इट स्टार्टेड ग्रोइंग अप आफ्टर यू नो आई स्टार्टेड हैविंग इन द कॉलेज, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत विकट बन के आई जब मैं कॉलेज में पहुँचा। With this, we would like to know what were your challenges when you shifted to higher education? पहला चैलेंज तो था किताबें पढ़ने लायक मिलना, और ये सबसे बड़ा चैलेंज था अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि द कॉलेजेस वर स्ट्रक्चरली इनएक्सेसिबल, वो तो उस समय इतना बड़ा चैलेंज महसूस नहीं हुआ, वो तो कोप अप हो जाता था, पर किताबें पढ़ने लायक बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, और किताबों को रिकॉर्ड करवाना, उसके लिए रीडर्स ढूंढना और ऐसे व्यक्ति ढूंढना जो वॉलंटरीली एक्सेप्ट कर ले कि हाँ उन्हें पढ़ना है समय निकाल कर, क्योंकि समय की तो कमी हर एक के पास रहती है, तो समय निकाल कर पढ़ना। और एक हमारे को भी ये होता था कि कोई ऐसा व्यक्ति पढ़े जिसकी क्लैरिटी हो पढ़ने में, है ना, वैसे व्यक्ति ढूंढना, तो ये चैलेंजिंग था। उसमें हम लोगों की खुशकिस्मती थोड़े इस सेंस में थी कि कुछ कॉलेजेस उनकी NSS एक्टिव थी, रीडर्स ब्लाइंड पर्सन्स के लिए पढ़ने के लिए वो प्रोवाइड करते थे, तो उस सेंस में हमें मदद हो गई थी, पर वो बहुत चैलेंजिंग रहा। दूसरा चैलेंज था कि एग्ज़ाम्स लिखने के लिए स्क्राइब का, और एक अच्छा स्क्राइब मिलना एक चैलेंजिंग टास्क था, और कई बार ऐसा हुआ कि आखिरी दिन या मतलब एकदम आखिर में स्क्राइब मना कर देता था, और उस समय सबसे बड़ा काम होता था स्क्राइब ढूंढना, और हमारे दिमाग से आंसर्स और क्वेश्चंस ये सब निकल जाते थे, सिर्फ एक चीज़ रहती थी किस तरीके से स्क्राइब ढूंढा जाए ताकि एटलीस्ट हम क्वेश्चन सॉरी एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाएँ, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और बाकी क्लासरूम में थोड़ी सी ये होता था कि जो एक माहौल है पूरा वो उतना मतलब एक्सेप्टेबल इन द सेंस के पूरा माहौल के ब्लाइंड की तरह से पढ़ा जाना, उसमें आज की दृष्टि से उतनी तरक्की नहीं थी, तो बड़ा चैलेंजिंग था, बट फिर भी आई थिंक
with time I think teachers got sensitized, classmates like the peer group got sensitized. तो आज मुझे लगता है बेहतर स्थिति है पहले से. Sir, with your challenges you have actually worked a lot. With my own experience, I have seen you working for the students who are blind in the school by making the books available to them in braille. Right? हाँ, ब्रेल यानी एक्सेसिबल, मतलब हम इसको ब्रेल तो आज इसलिए हम यूज़ नहीं करेंगे कि ब्रेल से हम आगे निकल गए हैं जी. और कंप्यूटर के आ जाने से जो किताबें हैं उनको रीडेबल बनाया जा सकता है इन वर्चुअल फॉर्म, इन लाइक इन डिजिटल फॉर्म, है ना. तो उसमें कंप्यूटर में भी पढ़ा जा सकता है. आजकल तो डेजी रिकॉर्डर्स आ गए हैं, उनमें पढ़ते हैं. फ़ोन में भी लोग पढ़ लेते हैं. और एक और चीज़ आ गई जिसे हम कहते हैं डिजिटल ब्रेल, उसमें भी लोग पढ़ लेते हैं. तो अब तो बहुत तरक्की है, पर इस दिशा में यस, मैंने काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी काम किया है, क्योंकि मैंने चैलेंजेस देखे थे अपनी लाइफ में और मैंने ये तय कर लिया था कि ये इस लाइफ में तो एटलीस्ट मैं इसी फील्ड में काम करूँगा, ये मेरे लिए भी अच्छा है और जो हमारा समाज है उसके लिए भी अच्छा है, तो इसलिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ. So moving on to another question, what is your political role in educational institutions? मेरा सीधा सा एक हमेशा सवाल रहता है पॉलिसी मेकर्स पे कि, और उनको सुझाव भी रहता है कि आप पॉलिसीज पहले बनाते हैं विदाउट कंसल्टिंग द टारगेट ग्रुप्स और द स्टेक होल्डर्स, एंड व्हेन योर पॉलिसीज फेल then you somebody comes and realizes you that makes you realize that there is a fault, then you make the corrective effort. Yes. And in that process you spent a lot of money. So I think in order to correct all this, it is better that the stakeholders should be made a party to policy making. So therefore in case of person with disability, I think the person with disability should be made और इंक्लूडेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. और उसी दृष्टि से हम लोग यूनिवर्सिटी में चाह रहे थे कि यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें डिसेबल्ड का योगदान हो. और मैंने एकेडमिक काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट किया था. हमारा एक फोरम है संभावना जो पिछले 22 सालों से एक्टिव है, जिसका मैं प्रेजिडेंट हूँ, और ये डिसेबल के लिए काम कर रहा है और बहुत सारे कामों पे एक्टिव रहा है. तो उन्हीं उसी फोरम से मैंने कंटेस्ट किया था एंड आई बीन देयर इन एसी फॉर 4 इयर्स, जो कि मैक्सिमम पीरियड है एकेडमिक काउंसिल में किसी भी इलेक्टेड मेंबर के लिए. और वहाँ मैंने इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया कि पॉलिसीज़ जो भी बन रही हैं उसमें डिसेबिलिटी एक वेंटेज पॉइंट रहे. मतलब मेरा ये नहीं था कि इंक्लूजन की जो पॉलिटिक्स है मैं थोड़ा सा उससे सहमत नहीं रहता. मुझे लगता है कि जहाँ पे इंक्लूजन या जहाँ पे जिसे कहते हैं कि मेन स्ट्रीम वाली बात आती है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है जी. तो मेरा है कि हर एक स्ट्रीम को आप इक्वली देखें, उसको उस वेंटेज पॉइंट को इक्वली रिस्पेक्ट करें जी. तभी मुझे लगता है कि कोट एंड कोट जिसे हम कहते हैं इंक्लूजन, या मुझे तो वो इक्वालिटी लगती है, वही हासिल हो पाएगी. सर, आप ज़रा आपने जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया है संभावना, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, संभावना 2000 में हम लोग ने फॉर्म की थी, 2002 में रजिस्टर की थी. और ये एक संगठन है जो अब नेशनल लेवल पे है. शुरुआत में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हमारा स्ट्रगल है इसको लेकर हमने शुरू किया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हमारी ये जो ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स और एक्टिविज़म शुरू हुआ था जी. और इसके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, अचीवमेंट्स हैं जो मैंने इसमें मेरा सक्रिय योगदान है. सबसे पहला ये है कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में संभावना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लीगल इंटरवेंशन किया था जिसकी वजह से पहली बार रोस्टर स्ट्रीमलाइन हुआ और मोर देन 250 पीपल हैव बीन अपॉइंटेड इन टीचिंग एंड ऑल्सो इन मैनी अदर्स इन नॉन टीचिंग पोस्ट्स. तो अभी तक जो रिजर्वेशन अब मिल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो हमारे लीगल इंटरवेंशन के बाद ही हो रहा है. उसके अलावा और भी नेशनल लेवल पे हम यूजीसी में हमारा केस है जिसकी वजह से वहाँ भी रोस्टर स्ट्रीमलाइन होने की प्रक्रिया में है. यूपीएससी में हमारे केसेस थे जहाँ पे यूपीएससी में इन 1 ईयर वी हैड अराउंड 54 पीपल बीइंग रिक्रूटेड इन डिफरेंट सर्विसेज इन यूपीएससी. दैट हैपेंड इन 2014-15. और इसके अलावा आई थिंक वी वर एबल टू have the first ever
एग्ज़ाम राइटिंग पॉलिसी इन आवर कंट्री 2011 में आई थी एंड आई वॉज द एकेडमिक काउंसिल मेम्बर। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम राइटिंग पॉलिसी लाना, कि हमारी जो स्क्राइब वाला इशू जो मैंने डिस्कस किया था कि वो चैलेंजिंग रहता था, हम लोग चाहते थे कि स्क्राइब वाला जो इशू है वो रिजॉल्व हो और उसमें हर व्यक्ति को जो चाहता है कि उसे लिखने के लिए राइटर दिया जाए वो उसे मिले, चाहे वो विजुअली चैलेंज हो या किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो उसको, चाहे मान लीजिए कई बार ऐसे होते हैं जिन लोगों का हाथ टूट जाता है या उनको हाथ से नहीं लिख पाते, दे ऑल्सो इन नीड ऑफ राइटर, तो उनके लिए भी हम लोगों ने ये सुझाव दिया और बहुत मेहनत लगी उस पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन संभावना, एंड देन व्हेन आई वॉज एन एकेडमिक काउंसिल मेंबर आई प्रेशराइज द वाइस चांसलर देन प्रोफेसर दिनेश सिंह टू हैव इट इम्प्लीमेंटेड थ्रू एकेडमिक काउंसिल एंड इट हैपन्ड इन अक्टूबर 2011। देन ऑनवर्ड्स वी हैव द नेशन वाइड एग्जाम राइटिंग पॉलिसी इन 2013 जो कि CCPD के ऑफिस से आई थी, जो आज तक लागू है। उसमें एक और नई थोड़ा अमेंडमेंट के साथ 2018 की गाइडलाइंस आ गई हैं। तो ये कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं। बाकी डिसेबिलिटी को एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में बताना चाहूँगा कि 2006 की जो नेशनल पॉलिसी आई थी डिसेबिलिटी की, वो भी उसमें भी हमारा योगदान मुझे लगता है, क्योंकि 2005 में हम लोग उस समय प्रधानमंत्री से मिले थे और हमने उन्हें कुछ सुझाव दिए थे और उन सुझावों के बेसिस पे उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई थी, जिसके बाद डिसेबिलिटी पॉलिसी आई थी 2006 में जी। तो ये कुछ है। और अभी भी हमारे कुछ कुछ बहुत सारे लीगल इंटरवेंशन चल रहे हैं, और पर्टिकुलरली ये जो हम देखते हैं ना इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल या डिसेबिलिटी पॉलिसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दैट वाज मेयरली बिकॉज ऑफ आवर एफर्ट्स। सो व्हाट वर योर चैलेंजेस एट वर्कप्लेस? आई थिंक द मेन चैलेंज वाज बीइंग एक्सेप्टेबल टू माय कॉलीग्स एज एन इक्वल ऑन इक्वल बेसिस, लाइक पर्टिकुलरली माय पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट कमिटीज। इन दैट वे आई थिंक in no time I started having my presence felt in my colleagues, and but हाँ ये था कि कई ऐसी जगह थी जहाँ पर मुझे थोड़ा challenging लगा कि अपने आप को feel करवाना, अपने आप को accessible बनाना। लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा challenge होता है वो है कि पढ़ाने के लिए किताबें accessible form में ले पाना, वो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी और अभी भी कर रहा हूँ, कि हर जैसे कोर्सेज चेंज हो रहे हैं और कोर्स जितनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, स्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से बदल रहा है, उतनी तेज़ी से हमारे को मेहनत भी उतनी करनी पड़ रही है कि किताबें एक्सेसिबल नहीं मिल पा रही, रीडेबल फॉर्म में नहीं मिल पा रही है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा ये एक चैलेंज ये था कि हर कमिटी में एक ब्लाइंड पर्सन काम कर सके, उसके लिए माहौल बने, उसके लिए समझ बने, उसके लिए लोग सेंसिटाइज हों, और डिसेबिलिटी को एक वेंटेज पॉइंट बनाने में मुझे इस कॉलेज में बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत टाइम भी लगा कि मैं जिस तरीके से सोचता था, जिस तरीके से मैं चाहता था कॉलीग्स उस तरह से समझें, मुझे बहुत समय लगा इसको करने में और बहुत चुनौतियां आई इसमें एंड अभी भी आ रही हैं। और ख़ासकर इसमें मुझे सबसे बड़ी चुनौती है कि बैरियर फ्री बनाने में ही मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज में एक ही लिफ्ट है जो कि कभी कभी ख़राब भी रहती है, टेक्सटाइल्स बिछवाने में और रैम बनवाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक साइनेज बनवाया, क्योंकि नैक का विजिट था, इस वजह से आई वाज एबल टू फोर्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आल्सो माय कॉलीग्स के यहाँ ये काम करना है। पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें एजेंडा में हैं जो शायद विद टाइम मुझे लगता हो जाएंगी, पर ये कई सारे चैलेंजेस आए हैं। और फंडिंग का सबसे बड़ा रहता है, क्योंकि डिसेबिलिटी मुझे लगता है इस वजह से भी हाशिए पे है कि जहाँ भी और चीज़ों के लिए फंडिंग अवेलेबल रहती है, लेकिन डिसेबिलिटी के लिए हमेशा ऐसे सोचना पड़ता है कि हाँ फंडिंग कहाँ से आएगी, कैसे फंडिंग होगी, इतना पैसा लग जाएगा, इतना पैसा तो है ही नहीं, है ना, ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर मुझे लड़ना पड़ता है। तो ये संघर्ष मुझे लगता है आगे जारी रहेगा। ऐसा मतलब हमें आई थिंक ज़्यादा टूवर्ड्स मूव करना चाहिए एम्पैथी रादर देन सिंपैथी। हाँ, मतलब सिंपैथी मोड से एम्पैथी की ओर जाना ही एकमात्र रास्ता है, है ना, और वो सभी में होनी पड़ेगी जी। है ना, बिल्कुल। तो हमारा दूसरा सवाल ये है आपसे कि आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में क्या रहा है और
एज एन इंडिविजुअल आप अपने एग्जिस्टेंस को सोसाइटी में कैसे देखते हैं? मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट मुझे लगता है कि मैं अपने आप को इस लायक बना पाया कि मैं डिसेबिलिटी पे काम कर पा रहा हूँ और उसमें मेरे जो साथ जुड़े लोग उनका मुझे लगता है ब्लेसिंग्स हैं, उनका साथ है। एक आध मेरी टीचर हैं जो डॉक्टर गोपा जोशी, मेरी उनके मतलब स्नेह की वजह से या उनके बेसिकली क्या उनके एजुकेशन की वजह से, और मेरे कई सारे जो दोस्त हैं जो मेरे साथ संभावना में काम कर रहे हैं और वैसे भी दोस्त हैं, उनके वजह से मैं आज इस लायक हूँ। और हम संभावना से बहुत सारे काम कर रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी बता भी दिया आपको, पर एक कंट्रीब्यूशन ये है कि सेंसिटाइजेशन में आई थिंक आई बीन वर्किंग प्रिटी हार्ड एंड आई एम एबल, और इस कॉलेज को मैं एक ग्राउंड मान करके, एक बेस मान करके यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है हम लोगों ने पहला एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 90% पीपल हैव बीन एम्प्लॉयड, और मुझे लगता है ये मेरी अचीवमेंट है, है ना। और दूसरा ये कि एक जो डिसेबिलिटी को पॉलिसी में डालने की जो प्रक्रिया थी हम लोगों ने शुरू की थी जब व्हेन वी मेट द प्राइम मिनिस्टर, वो एक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है मुझे ऐसा लगता है जो शायद आगे लॉजिकल एंड तक जाएगी, ये भी एक अचीवमेंट मुझे लगता है। और एक अचीवमेंट ये भी है कि आज हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं परख का जिसमें डिसेबिलिटी के इशू है, तो ये भी एक अचीवमेंट है क्योंकि समाज में डिसेबिलिटी को अगर एक जगह मिल पाए, है ना, वो कहीं से भी मिल पाए, वो मुझे लगता है मेरे लिए अचीवमेंट है। और इस कॉलेज में हम लोगों ने पहला एक कॉलेज है जहाँ पे हमने स्पोर्ट्स के कार्यक्रम कराए हैं कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी में तो हुए हैं लेकिन कॉलेज ने ऑर्गेनाइज़ नहीं किए। हम लोग T20 क्रिकेट मैच कई सालों से कराते आ रहे हैं 2013 से, तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट। और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स एक यहाँ पे एक रेगुलर एक्टिविटी बने इस कॉलेज की, डिसेबिलिटी के लिए जो स्पोर्ट्स है, डिसेबल्ड का स्पोर्ट्स, वो एक रेगुलर एक्टिविटी बन के रहे, तो ये मुझे लगता है कि मेरी अचीवमेंट है। उसके अलावा मेरी पर्सनल अचीवमेंट्स तो अलग हैं, पर मैंने जहाँ भी मौका मिला से दूरदर्शन में इंटरव्यूज़ हुए जब हमारे क्रिकेट मैच के बाद, देयर आई ऑल्सो रेज दिस इशू ऑफ स्पोर्ट्स एंड डिसेबिलिटी और विजुअली चैलेंज के इशूज़ थे, हम लोग लेकर आए उसको लेकर। तो ये कुछ हैं जो मुझे अभी याद आ रही हैं, मुझे लगता है कि अचीवमेंट्स मान सकता हूँ मैं अपनी हैं। सर अपने पर्सनल अचीवमेंट्स के बारे में ज़रा थोड़ा बताइए। पर्सनल अचीवमेंट्स मेरी ये हैं कि मैंने कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा, जैसे मैंने स्पोर्ट्स में भी अपने हाथ आजमाए। मैं अभी कुछ साल पहले मैं मैराथन में दौड़ा था और मैंने लॉन टेनिस भी खेला, मतलब क्रिकेट भी खेला। उसके अलावा आई बीन ऑल्सो राइटिंग डिसेबिलिटी, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक्टिविज़म नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ और डिसेबिलिटी पे जहाँ मौका मिलता है मैं लिखता हूँ। एक पर्सनल अचीवमेंट ये भी मैं मान सकता हूँ कि मैं डिसेबिलिटी पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करता हूँ और मतलब एकेडमिकली भी इसको टेकअप कर रहा हूँ मैं और बहुत सारी बॉडीज़ का मैं मेंबर हूँ, जैसे ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में मैं एनुअल जनरल बॉडी में हूँ, है ना, संभावना तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ही। और ट्रेड यूनियन में मुझे लगता है कि एज ए डिसेबल एक्टिविस्ट मेरे को बहुत सीखने को मिला है। और एक अचीवमेंट ये है कि मुझे डिसेबिलिटी लॉ करते करते लॉ समझ में आने लगा है, ओवरऑल मुझे लॉ की अंडरस्टैंडिंग बिना लॉ किए मुझे अब समझ में आने लगी है और अब मैं डरता नहीं हूँ, है ना। और इसे DMRC में अभी मेरा कुछ दिन पहले एक स्ट्रगल हुआ, एक झगड़ा सॉर्ट ऑफ हुआ कि वो उन्होंने मुझे फोर्सिबली स्टॉप किया कि भाई आप जा नहीं सकते बिना असिस्टेंट के, जिसको मैंने चैलेंज किया और उसके बाद मैंने CSF को ईमेल लिखा और उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये गलत है। कि मेरा तर्क ये था कि आप ये वॉलंटरी एक्सरसाइज है, DMRC को या CSF को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए पर्सन विद ब्लाइंडनेस के आप असिस्टेंस के बिना जा ही नहीं सकते, जो वो अक्सर करते थे। तो मैंने उनको ये बताया कि भाई आप व्यक्ति जो है अगर वो देख नहीं पा रहा है तो वो दिमाग से शून्य नहीं है, है ना, ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड हिज बेनिफिट्स, हिज लेकुनास और उसके जो गुड्स एंड बैड्स हैं, यानी जो उसकी कमियां है, कमियां इन द सेंस के जो वीकनेसेस हैं और जो स्ट्रेंथ है उसे पता है, उसे भी पता है कि उसे जीवन जीना है। क्योंकि वो कह रहा था कि आप अकेले जाओगे तो मर जाओगे, कहीं गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप मेट्रो को ये लिख के दीजिए कि कुछ होता है तो मेट्रो पे क्लेम नहीं करेंगे।
विच अनॉयड मी एक्चुअली. तो मैंने ये पूरा टेकअप किया, तो मैं वहाँ डरा नहीं, आई डिडंट सरेंडर. तो दैट यू नो स्ट्रेंथ हैज़ कम फ्रॉम दैट वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड डिसेबिलिटी एक्टिविज्म दैट आई एम डूइंग सिंस आई थिंक मोर देन टू डेकेड्स आई थिंक आई कैन से यस. सो आई थिंक विद दिस नॉर्सिस्ट इट्स नॉट अबाउट कि हमें केवल लोगों को असिस्टेंस देना चाहिए या हेल्प चाहिए, बट वो हमें ये भी देखना है कि क्या वो चाहते हैं वो हेल्प या नहीं. हाँ मतलब उन्होंने शायद वो वही सिंपैथी और एम्पैथी का बात है ना, वो ही वाज टॉकिंग लाइक एन गार्जियन और बहुत फोर्सफुली. तो वो मतलब ये जिस तरीके से बोल रहे थे दैट वाज प्रीटी रूड आल्सो. एंड बुरा ये लगा कि मेट्रो में वहाँ पे कोई था उसको रोकने वाला नहीं था कि भाई आप ये गलत कर रहे हो आप. और दूसरा आर्टिकल 92 जो RPD का है वो इस कहता है कि आप किसी भी पर्सन डिसेबल्ड को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते है ना. और ये तो इंडिपेंडेंट मतलब जो भी हमारे एक्ट हैं वो तो इंडिपेंडेंट मूवमेंट की बात करते हैं, बैरियर हटाने की बात करें. आप तो बैरियर लगा रहे हो कि बिना असिस्टेंट के आप जा ही नहीं सकते. तो मैंने कहा कल को फिर ट्रैफिक पुलिस वाला कहेगा बिना रोड पर निकल ही नहीं सकते जब तक आपके पास कोई साथ में है ही नहीं, तो हम कहाँ कहाँ लिख कर देते रहेंगे है ना कि भाई हमें जाना है तो आप हमें अलाउ करो. इस तरह की जो चीज़ मुझे लगता है वो सोची बहुत गलत है. एंड आई ट्राई टू कम्युनिकेट इट थ्रू ईमेल और वो एक बार फ़ोन भी आया था उनको मैंने समझाने की कोशिश की. आई थिंक दैट विद टाइम दे विल अंडरस्टैंड दिस. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सेंसिटाइजेशन उन्हें वर्कशॉप करनी चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि गलती ऊपर वालों की भी है कि उनको बताना कि भाई आप किस तरीके से एक ब्लाइंड पर्सन के साथ को ट्रीट करेंगे, किस तरीके से दूसरे लोगों के साथ आप पेश आएंगे. कई बार हमने देखा है कि हमारी ज़बरदस्ती लिफ्ट में ले जाते हैं जब हम कहते हैं कि नहीं हम चल सकते हैं सीढ़ियों से चल सकते हैं, नहीं आप लिफ्ट से ही चलेंगे. या कई बार एक दो बार तो गलती से वो व्हील चेयर भी ले आए हैं. मैंने उनको बोला कि भाई ब्लाइंड पर्सन चल सकता है ना, व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है, है ना. तो ये सब कुछ दिक्कतें हैं जो मुझे लगता है दूर होनी पड़ेंगी. The actions has to be in a manner which just empowers us rather than makes us feel more conscious of our being. Correct. Absolutely. And consciousness comes through awareness. Yes. It comes through learning. Yes. And it's come through, you know, equal treatment, and maybe empathy, you know, yes. towards others. So, sir, with this conversation, I feel rather more educated towards my actions. And I would try to inculcate all the things that you have said and be more empathetic to needs of other people. And I think जो आपके contributions रहे हैं कॉलेज में, जैसे कि सब लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपने कॉलेज को मोर एक्सेसिबल बनाया है और ब्लाइंड फ्रेंडली बनाया है बीट एनी डिसेबिलिटी. थैंक यू सर फॉर बींग हियर एंड एजुकेटिंग अस मी एंड द व्यूअर्स हियर. थैंक यू सो मच साक्षी. एंड आई वुड लाइक टू थैंक परख क्योंकि इस बहाने हम डिसेबिलिटी को रेज कर पाए. पर एक चीज़ मैं लास्ट में बस एक सेकंड के लिए बोलना चाहूँगा कि अभी कुछ काम अधूरे हैं. जैसे मैं लाइब्रेरी की एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत काम करने की सोच रहा हूँ और उसमें किताबों को यहाँ की एक्सेसिबल बनाना इस पर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाना, उसके लिए कुछ काम हुआ है. जैसे रिसोर्स सेंटर है हमारे यहाँ, हमारे डिजी रिकॉर्डर्स हैं, या कुछ हद तक एक कंप्यूटर भी फ्रेंडली हो गया है. पर फिर भी वो माहौल नहीं बन पाया है कि किताबें आके लोग पढ़ें, वहाँ पे लाइब्रेरी यूज़ करें. तो लाइब्रेरी यूज़ेबल बनाने के लिए अभी हम लोगों ने ब्रेल मैगजीन्स भी सब्सक्राइब करने के लिए ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसमें आगे बढ़ चुके हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करनी हैं. मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट, टोटल एनवायरनमेंट एक्सेसिबल बने, इस दिशा में मुझे लगता है मेरी कोशिश होगी कि अपने कॉलेज को करा जाए और अपने कॉलेज के साथ साथ इस चीज़ को आगे भी बढ़ाया जाए. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म ऑफ परख टू मी. एंड विद दिस आई एम श्योर दैट इट विल गो अ लॉन्ग वे इन इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज. थैंक यू सो मच. सर कोई छोटा सा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? सिर्फ जो डिसेबल्ड व्यूअर्स हैं उनको मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप स्ट्रगल करना ना छोड़ें, स्ट्राइव फॉर द स्ट्रगल. मतलब इतनी जल्दी सरेंडर ना करें कोई भी चीज़ को, इतनी ऐसे एक्सेप्ट, मतलब मैं लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें और अपने राइट्स के लिए सजग हों. जो हमारे नॉन डिसेबल्ड हैं उनको मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो डिसेबल्ड
के प्रति आप एम्पेथाइज करें, सिंपेथाइज ना करें, मतलब उनसे अगर आपके साथी हैं तो ये मान के चलें जैसे आप सोचते हैं, करते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो भी वैसे ही करेंगे, पर उस डिफरेंस को जो भी है उस डिफरेंस को रिस्पेक्ट करें। और वो डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी है, वो हर फील्ड में है, मतलब इट इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी, बट इवन इन रिलेशन टू जेंडर, इन रिलेशन टू कास्ट, वी नीड टू यू नो रियलाइज दैट डिफरेंस एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट डिफरेंस, है ना। तो उस डिफरेंस की मैं बात करना चाह रहा हूँ डिसेबिलिटी में। थैंक यू सो मच। या We'll be right back.